नागपुर महानगर पालिका अंतर्गत शहर के कई क्षेत्र में बसे आबादी वाले जगहों पर कार्यवाही की जा रही है। उसी श्रृंखला में जरीपटका परिसर स्थित बैंक कॉलोनी में बसे आबादी वाले क्षेत्र में बुलडोजर चलाकर घर ध्वस्त किए गए। सामान्य तौर पर कई सालों से आबादी में बसे घर उस जगह पर अपना मालिकाना हक जता रहे हैं। उनका कहना है कि हम बिजली बिल देते हैं, पानी का बिल भी भरते हैं, साथ ही साथ हमारा नाम महानगर पालिका के मतदाता सूची में भी शामिल है, लेकिन अधिकारी द्वारा बिना नोटिस के हमारे घर तोड़े जा रहे हैं। यह गरीब जनता पर अन्याय है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी प्रकार से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देते हुए महानगर पालिका अधिकारी ने कहा, तोड़े गए घरों के कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है जो इन्हें मालिकाना अधिकार प्रदान करे, और मनपा ने इसके पूर्व भी नोटिस जारी किया था जिसके चलते यह कार्रवाई वैध है। इस कार्रवाई के दौरान तोड़े गए 14 से 15 घरों के कारण बड़ी मात्रा में असंतोष की स्थिति है। अभी ये जो प्लॉट नंबर 18, 19, 20 है, ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट पे जो पक्का जो बांधकाम हुआ है उसका कोई भी सैंक्शन नहीं है, और जो ऑक्युपेंट है वो यहाँ पे उनके पास जो ओनरशिप के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल डीड, जिसको हम बोलते हैं मालमत्ता पत्र, ये दो जो है सिटी सर्विस जो मिलता है, ये दो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट भी इनके पास नहीं है। और आप जो देख रहे हैं, आप कैमरा भी घुमा सकते हो कि इतना बड़ा जो कंस्ट्रक्शन है ये विदाउट सेंक्शन हुआ है। तो इनको हमने एक नोटिस 2016 में दिया था। अभी आपको भी जानकारी है, न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ है कि इसके ऊपर एक PIL भी दाखिल हुआ है कि जो शहर में जो अनधिकृत बांधकाम जो हुए है उसके ऊपर कार्रवाई का हाईकोर्ट में जो PIL दाखिल है, तो उसके ऊपर भी आदेश हाईकोर्ट के है, और उसके ऊपर भी एक कमेटी है। कमेटी जो है वो कमेटी की जो है क्वार्टरली मीटिंग्स भी होती है, उसमें रिव्यू भी होता है, कितने इलीगल कंस्ट्रक्शन को नोटिस दिया गया है, कितना कार्रवाई हुई है, ये ऐसा रिव्यू भी किया जाता है। तो ये जो है इनको हमने फिर से अभी 2017 का ये जो नोटिस था इसके वजह से इनको हमने फिर से एक सुधारित जो नोटिस बोलते हैं, ताकि पहले जो 4 हफ्ते का था बाद में हमने 5 हफ्ते का इनको सुधारित भी नोटिस दिया हुआ है। ये नोटिस के ऊपर उन्होंने कोर्ट में अपील किया, मेरे को बोलने दीजिए ना, तो अपील किया हुआ है। ये 3 घर है जैसा मैंने बोला ना आपको, प्लॉट नंबर 18, 19, 20, तो इसमें उन्होंने अपील भी किया हुआ है। अपील में यूजुअली अगर कोई हमारे तरफ से कोई गलती हो गई है और जो गैर अर्जदार है, जो नॉन एप्लीकेंट है, उनके पास अगर कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, जो ओनरशिप डॉक्यूमेंट होते हैं, कोई सेंक्शन होता है, पुराना सेंक्शन होता है 50 का, 60 का, या तो नया भी कोई सेंक्शन है 10-20 साल का, तो ऐसा कुछ भी छोटा मोटा भी अगर नॉन एप्लीकेंट जो गैर अर्जदार होता है उनके पास अगर रहा तो इमीडिएट स्टे मिल जाता है। हमारी जानकारी है, इतने सारे केसेस हमने देखे हुए हैं, तो इमीडिएटली उनको स्टे मिल जाता है। इन पे कोर्ट में इन्होंने अर्जी लगाई, इसमें कोई स्टे नहीं मिला। इन्होंने हमारे जो आयुक्त हैं, आयुक्त के तरफ भी अपील किया, वहाँ पे भी उनकी सुनवाई हुई, आयुक्त साहब ने भी इसके ऊपर जो है डिटेल रिपोर्ट मंगवाई कि परिस्थिति क्या है, एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट क्या है, नॉन एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट क्या है, इसका फिर से दोबारा छानबीन हुई। दोबारा छानबीन होने के बाद वो रिपोर्ट जो है फिर से सबमिट किया गया, और फिर से इसके ऊपर आदेश दिए गए हुए हैं कि ये जो है ये इलीगल स्ट्रक्चर है, तो इसको गिराया जाए। उस हिसाब से हमने नियोजन किया, और नियोजन के हिसाब से आज हम इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। हेमंत शाहू जरीपटका, यही रहता हूँ, मेरा ये घर है बैंक कॉलोनी अम्बेडकर कॉलोनी। मैं अम्बेडकर कॉलोनी जूनियर अम्बेडकर कॉलोनी में रहता हूँ। मेरा नाम गोलू शाहू है सर। मैं यहाँ पे 40-50 साल से रह रहा हूँ, ठीक है सर। मेरे पास इलेक्ट्रिक बिल, घर टैक्स पावती, नल बिल, हर चीज़ है, जमाबंदी सब है सर। उसके बावजूद ये मेरे घर को तोड़ने के लिए आए हैं बिना नोटिस के। मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, 27 तारीख की मेरी डेट है सर। उसके बावजूद ये मेरे को बिना नोटिस के ये JCP वगैरह लेके आए हैं सर, मेरा घर तोड़ने के लिए सर। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पान, CBCN न्यूज़ नागपुर।